ये आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? पक्का आप कहेंगे कि ये टायर है, लेकिन आप यहाँ गलत हैं। ये टायर नहीं है, ये धम्मचक्र है। अच्छा, अब इसे देखकर बताइए कि ये क्या चीज है। पक्का आप इसे कहेंगे कि अरे ये तो पिलर है, लेकिन नहीं, आप यहाँ भी गलत हैं। ये पिलर नहीं है, बल्कि यह स्तंभ है। अच्छा, अब इसे गेस करिए कि ये क्या चीज दिख रही है आपको। मुझे लगता है कि आप यहाँ भी कुछ गलत गेस करने वाले हैं। असल में आप कहेंगे अरे ये तो बालू का ढेर है, लेकिन आप यहाँ भी गलत हैं। ये बालू का ढेर नहीं है, असल में यह स्तूप है। जनता माफ नहीं करेगी। इस प्रकार आपने देखा कि हमने आपको क्रम से धम्मचक्र, स्तंभ और स्तूप दिखाया, मगर ब्राह्मणवाद की पट्टी ने आपको उन बौद्ध प्रतीकों को पहचानने ना दिया जो बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं, और आप इसे टायर, पिल्लर, बालू का ढेर कह रहे हैं। असल में आप सबकी आंखों में मनुवाद की पट्टी चढ़ी है, जिसके कारण आप धरती के प्रथम मानव को आदि मानव कहते हैं, जबकि सत्य यह है कि ब्रह्मांड के प्रथम मानव तो बुद्ध थे। अरे कहना क्या चाहते हो? या अभी आपने जो सुना उसे सुनकर आप आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि अगर यह वीडियो कोई बौद्ध बना रहा होता तो वह ठीक ऐसे ही तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने अपना खीर ज्ञान प्रस्तुत कर रहा होता। असल में आज एक बुद्धिजीवी तबका एक तरह के गुप्त रोग का शिकार है, जिसमें उसे हर गोल चीज में धम्मचक्र, हर कड़ी चीज में स्तंभ और हर कंडहर में स्तूप दिखाई देता है। वैसे यह एक लाइलाज बीमारी है, फिर भी इस बीमारी पर कुछ लोगों की उछल कूद देखकर हमारी भी इच्छा हुई है, क्यों ना इस गुप्त रोग पर कुछ विचार प्रस्तुत किया जाए। आज हम बात करेंगे कुछ गुप्त रोगी लोगों के बारे में, जिन्हें अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर बुद्धिस्ट साइट दिखाई देता है। अयोध्या से कुछ भी गोल, खड़ी, चपटी वस्तु क्या मिलती है, इन गुप्त रोगियों के रोग में इजाफा होने लगता है। अभी हाल में अयोध्या में मंदिर निर्माण के समय खुदाई के दौरान कुछ वस्तुएं मिली हैं, जिन पर हेयर विहीन लोगों ने दावा किया है कि यह सभी वस्तुएं हमारी सभ्यता और संस्कृति की हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं दावों का खंडन करेंगे एक कटोरी खीर से प्राप्त वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा। राम मंदिर का केस सैकड़ों साल लड़ा गया, लाखों हिंदुओं ने इस संघर्ष में अपनी आहुति दी, तब जाकर उस स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ है। किंतु मंदिर निर्माण स्थल से कुछ प्राचीन अवशेष मिले, यह अवशेष चर्चा का विषय भी बने और इस बात की गवाही भी देने लगे कि इस स्थान पर मस्जिद से पहले कोई मंदिर जरूर था। लेकिन इस पूरे मामले में ट्विट तब आ गया जब अचानक से कुछ लोग उस प्राचीन अवशेष को बौद्ध अवशेष बताकर यह दावा करने लगे कि अरे यह प्राचीन अवशेष तो बौद्धों के हैं। इस बात को बल देने के लिए, लोगों का माइंड वॉश करने के लिए, इन लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर जो मूर्ति और अवशेष अयोध्या से नहीं मिले उसे भी अयोध्या की बताकर शेयर किया जाने लगा। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है। इस संबंध में हम इन दुष्प्रचारियों के कुछ फेक दावे आपको दिखाना चाहेंगे, जो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं यह झूठों की जमात कितनी संकीर्ण और दूषित मानसिकता के साथ दुष्प्रचार का कार्य करती है। यह वही वैज्ञानिक है जब मामला कोर्ट में था तब बोलते थे अयोध्या में मंदिर नहीं अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, लेकिन आज तक एक भी बौद्ध स्थल पर इन्होंने स्वयं अस्पताल और स्कूल कॉलेज नहीं बनवाए। मामला जब दूसरे के घर का हो तो अस्पताल और हॉस्पिटल इन्हें दूसरों की जमीन पर चाहिए, और खुद के लिए इनके पास बौद्ध विहार का एजेंडा तो पहले से ही सेट होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी हाल ही में मंदिर निर्माण के दौरान वास्तव में अयोध्या से क्या क्या पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें एक कमल पुष्प की आकृति वाला शिलापट्ट मिला है, दूसरा कुछ प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, तीसरा कुछ प्राचीन खंभे मिले हैं जिसमें सुंदर नक्काशी की गई है, साथ ही साथ एक शिवलिंग भी मिला है। लेकिन दुष्प्रचारियों द्वारा
कमल पुष्प वाली आकृति को शिलापट धम्मचक्र बताया जा रहा है। जो कुछ प्राचीन मूर्ति अवशेष मिले हैं उन्हें गौतम बुद्ध की मूर्ति बताई जा रही है तथा प्राप्त खम्भों को स्तंभ बताकर सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बताया जा रहा है और शिवलिंग को मनौती स्तूप बताकर अयोध्या एक बौद्ध स्थल है ऐसा दावा ठोका जा रहा है। अब दावे में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए हमें पहले यह जान लेना जरूरी है कि बौद्ध ग्रंथ और विदेशी यात्रियों ने अयोध्या के विषय में लिखा क्या है। आपको बताते चलें, वर्तमान में जो अयोध्या है वह सरयू नदी के तट पर स्थित है, किंतु बौद्ध ग्रंथों और वेदांग के यात्रा वृत्तांतों के अनुसार अयोध्या गंगा नदी के किनारे पर स्थित एक नगर था। यहाँ बुद्ध ने अपना काफी समय व्यतीत किया था। संयुक्त निकाय में उल्लेख आया है कि बुद्ध ने यहाँ की यात्रा दो बार की थी। इस सूक्त में भगवान बुद्ध को गंगा नदी के तट पर विहार करते हुए बताया गया है। इसी निकाय की अट्टकथा में कहा गया है कि यहाँ के निवासियों ने गंगा के तट पर एक विहार बनवाकर किसी प्रमुख बौद्ध भिक्षु संघ को दान कर दिया था, जबकि वर्तमान अयोध्या गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। वर्तमान अयोध्या तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसी के साथ वेद संघ के अनुसार गंगा तट पर स्थित अयोध्या में राजा अशोक ने 200 फीट ऊंचा स्तूप बनवाया था, जबकि पूरे भारत में इतना ऊंचा स्तूप कहीं नहीं मिला। अयोध्या की तो बात ही छोड़ दीजिए। बौद्ध ग्रंथों और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत के अनुसार अयोध्या गंगा नदी के किनारे थी। इनका साकेत नगर भी गंगा के किनारे था, जहाँ खुद बुद्ध दो बार आए थे। अब आप खुद विचार करें कि जब इनके ग्रंथों और उनके दर्शन पर अपने विचार लिखने वाले यात्री खुद कह रहे हैं कि बौद्धों की अयोध्या या साकेत गंगा के किनारे था, तो यह सरयू तट पर स्थित अयोध्या में मिले अवशेषों पर इनका दावा ठोकना कितना प्रमाणिक है। मतलब ये तो वही बात हुई कि इनकी धोती गंगा में बह गई और ये सरयू के किनारे स्थित किसी दूसरे की धोती पर हक जमा रहे हैं। Oh my God! जब बुद्ध कभी सरयू तट पर स्थित अयोध्या में गए नहीं, वहां अशोक का बनवाया कोई 200 फीट ऊंचा स्तूप मिला नहीं, तो जबरन अयोध्या बौद्ध की हो जाएगी? या अपने मनगढ़ंत फर्जी प्रमाणों से अयोध्या पर इनका दावा स्वीकार कर लिया जाएगा? अब थोड़ा बात करते हैं अयोध्या से प्राप्त अवशेषों पर, जिसमें कमल पुष्प वाली आकृति के शिलापट्ट को धम्मचक्र बताया जा रहा है। तो यहाँ सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि ये कमल पुष्प पर नवबौद्धों ने पेटेंट कब लिया कि कोई भी कमल पुष्प वाली आकृति मिलेगी तो वह बौद्ध अवशेष मान ली जाएगी, जबकि ऐसी सैकड़ों आकृतियां आज भी हिंदू जैन मंदिरों के धार्मिक स्थलों पर देखी जा सकती हैं। उसके बाद भी कौन सी कैटेगरी की आंख है इनकी जिसमें इनको धम्मचक्र नजर आ रहा है? बुद्ध के धम्मचक्र में 8 आ रहे हैं, अशोक के धम्मचक्र में 24 तीलियां हैं, जबकि इस शिलापट्ट पर उकेरी गई कमल पुष्प की आकृति में 29 पंखुड़ियां हैं, जिसमें 2 वृत्त हैं, जबकि धम्मचक्र में 1 ही आवृत्ति होती है। अब बात करते हैं प्राप्त मूर्तियों और खंभों की, जिसको लेकर दावा है कि मूर्तियां बुद्ध की हैं और खंभे तो अशोक ने बनवाए थे। तो थोड़ा आप इन मूर्तियों को ध्यान से देखें, क्या ये मूर्तियां किसी भी एंगल से गौतम बुद्ध की दिख रही हैं? मूर्तियों में साफ दिख रहा है कि यह नृत्य मुद्रा में उकेरी गई नर्तकियों की मूर्ति है, जिसमें उनका वक्ष स्थल भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इनमें भी किसी को बुद्ध दिख रहे हो तो इस गुप्त रोग का इलाज पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। यह कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। और यह मूर्ति उकेरी गई है इन्हीं खंभों पर, जिसे अशोक का स्तंभ कहा जा रहा है या फिर बौद्ध विहारों के खंभे बताए जा रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि भैया, ये बौद्ध विहार ध्यान के केंद्र थे या नृत्य के केंद्र थे? क्या विहारों में नृत्य होता था? अगर आप इसे नृत्य की मुद्रा ना भी मानो, फिर भी यह मानते तो हो ना कि यह स्त्रियां हैं बुद्ध नहीं? तो बौद्ध विहारों में इस स्टाइल में खंभों पर स्त्रियों की नक्काशी का उद्देश्य क्या था? ऐसा नहीं लगता कि इन मूर्तियों को आप बौद्ध विहारों से जोड़कर आप विहारों की गरिमा को गिरा रहे हो? ऐसे खंभों पर मूर्तियां प्राय महलों में देखी जाती है, न कि विहारों में। अगर इस बात पर आप दावा कर ही रहे हो तो हमें पहले ये बताओ कि ऐसी नग्न वक्ष स्थल दिखाती हुई मूर्तियों का विहारों में क्या प्रयोजन था?
इन मूर्तियों और खम्भों को बिहारों के अवशेष बताने की गलत फहमी त्याग दो, अन्यथा जवाब देते देते आपकी इतनी बेइज्जती होगी कि आप शर्म से पानी में डूब जाओगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठेगा कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने वाले स्थान पर इस तरह की मूर्तियों का औचित्य क्या था। लेकिन हम तो ये कह सकते हैं कि यह मूर्तियां न बुद्ध की हैं और न ही किसी विहार की, या किसी महल अथवा मंदिर के अवशेष जरूर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी नक्काशी महलों और मंदिरों में आज भी देखी जा सकती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिवलिंग की, जिसे मनौती स्तूप बताया जा रहा है। तो भैया काहे एकदम तगड़ी वाली बेइज्जती कराने पर तुले हो, जब मान मनौती ईश्वर देवता चमत्कार आदि पर आपका विश्वास ही नहीं, तो यह मनौती का कॉन्सेप्ट किस खीर ज्ञाने के दिमाग की उपज है? क्या बौद्धों का मोह बुद्ध से भंग हो गया था, जो वह बुद्ध के सिद्धांतों के विपरीत मनौती माना करते थे? आखिर उनकी मनौती पूरी कौन करता था? कम से कम बुद्ध तो नहीं करते थे। फिर वह कौन था जो बौद्धों का मनौती देवता था, पहले यह बताओ, फिर इस शिवलिंग पर दावा ठोकना हम मान भी लेंगे। कम से कम अपने सिद्धांतों को ताक पर रखकर तो किसी सभ्यता संस्कृति को निगलने का प्रयास तो मत करो। भारत की प्राचीन संस्कृति को सबने संवारा है, यह किसी एक के बाप की जागीर नहीं है। और वैसे भी दावा ठोकने और साबित करने में फर्क होता है। या इस वीडियो में तो आप समझ ही गए होंगे। तो कहना सिर्फ इतना है, सत्य को गुमराह किया जा सकता है मगर दबाया नहीं जा सकता। आप दबाने की कोशिश बेशक करो, लेकिन कोई न कोई आकर इसे उजागर जरूर करेगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जमकर शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।